लट्टू नचा दुनिया बचा। नहीं, जो करेगी तकदीर करेगी। बस थोड़ा सा इंतजार और सही जिल्लेलाही। ये जिन दुनिया का सबसे ताकतवर जिन है, लेकिन इसे अपनी ताकतों का इस्तेमाल करना नहीं आता। ये समझ लीजिए कि एक जंग लगी तलवार है और इस जंग को हटाना अलीजा का जिम्मा है। उस जंग को हटाओ अलीजा। पूरी दुनिया पे हुकूमत, दुनिया पे हुकूमत। इस जिन को काबू में करना मतलब हजार हाथियों को काबू में करने जितना मुश्किल। उसके अंदर सोई ताकतों को जगाने के लिए हमें उसे परेशान करना होगा, उसकी रगों में तूफान लाना होगा। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप थोड़ा पीछे हो जाएं जिल्लेलाही। अलीजा तुम्हें उससे मिलाएगी जो तुम सब पे हुकूमत करेगा। हवा जिसके इशारों पे चलेगी, मौसम जिसके इशारों पे बदलेगा और सूरज जिसकी मर्जी से उगेगा। कि तुम शिव में कहाँ गया? इश्मी बाबा ने ये ठीक नहीं किया, आपको हराने का ये सिला दिया। नक्षी तो अपने अब्बू को बचाने के लिए चले गई और मैं अपनी अम्मी को बचाने की जगह यहाँ पे आ गया। मुझे किसी भी करके यहाँ से निकलना होगा। आज का दोपहर के जहर का आखिरी दिन है, अम्मी के पास वक्त बिल्कुल नहीं। पानी पानी। लगता है तूफान रुक गया। तुम क्या कनीजों से मेहंदी लगवाने बैठे हो? जाओ जाकर देख कर आओ। मैं? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तुमने तो कहा तो रुसार पर शैतान का साया है। अगर मुझे शैतान ने पकड़ लिया तुम तो बेवा हो जाओगी बेगम। लेकिन अम्मू, आपने तो पिछले हफ्ते कहा था क्या पिछले 25 सालों से शैतान को झेल रहे हो। आपको पता है अम्मू? अब पता चल गया। मैंने कब कहा था? झूठ बोल रहा है। अरे चुप, अबू चोंच बंद करो। चलो सब साथ चल के देखते हैं। जरूर टर्बुक। चल भाई, चल चल चलो अबू। चल आ रहा हूँ अबू। चलो चलो जितने
तो इस जिन को रोक के दिखाओ। ये औरत कौन है? कर क्या रही है? जो कैद है उस पे हवा की बारिशों की मार हो, उसकी इस कदर तादाद हो कि उसके अंदर छुपा शैतान वो आजाद हो। ये किस बेचारे पे जुल्म कर रही है? तुम सब पे हुकूमत करेगा। रोक सकते हो तो रोक लो। जादुई चिराग, ये औरत मेरे भाई जीवों पर जुल्म कर रही है, और अगर जीनू यहां पर कह दे तो तुम भी घर पर अकेली है। अगर अम्मी को कुछ हो गया तो तुम हम दोनों पेटों पर लानत है। जाने अम्मी की हालत में होगी, मैं करूं तो क्या करूं? एक और अम्मी और दूसरी और मेरा भाई, दोनों की जिंदगी खतरे में। चीजों को काबू में करके उसकी ताकत का गलत इस्तेमाल करना चाहती। उसकी अम्मी बाबा ने मुझे यहाँ भेजा। अगर अम्मी बाबा और उस्ताद जी यही चाहते तो वो यही थी। मैं अपने भाई जीवन को बचाऊंगा। अगर मैंने एक बार अपने भाई जीवन को बचा लिया तो हम दोनों मिलकर अम्मी की जान जरूर बचा लेंगे। पानी। अम्मी, चाची शान की तबीयत खराब लग रही है, उन्हें पानी चाहिए। मैं पानी देकर आता हूँ। अरे मेरे लगते जिगर कहाँ जा रहा है? रुखसार के सर पे शैतान सवार है, वो शैतान तेरा खून पी जाएगा। पानी। लेकिन अम्मी, अभी तो भाई मेरा भाई भी यहाँ नहीं है और चाची जान भी अकेली है, तकलीफ में है। और अम्मी, तूफान चला गया तो शैतान भी चला ही गया होगा ना? मुझे जाने दीजिए अम्मी। अरे बिना बात मेंढक की तरह उछलने वाले इंसान, अब रोको ना इसे। बेटे, अगर शैतान को गले लगाने का इतना ही शौक है तो अपनी अम्मी को गले लगा ले। लेकिन खबरदार, जो अंदर गया तो। अबू। पानी। बेगम, अब क्या करेंगे हम? शैतान के चक्कर में अलादीन भी वापस आ जाएगा। कसम सोने की अशर्फियों की, एक काम करो, तुम अंदर जाके रुखसार के अंदर के शैतान को भगाने की तैयारी करो। और मैं कुछ और सोचती हूँ, अब नाज़नीन को पूरा खेल पलटना पड़ेगा।
छुपा शैतान, वो आजाद हो। अब चल चिराग, आपका फुकर से लेना ही। की बुआ है क्या? इसे कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? बाहर आओ। वहां मिली थी। माशाल्लाह, तुमने अलीजा को पहचान लिया। काली चोर, तुम्हारी बाज की नजर है। मुझे इसे बातों में उलझाकर चिराग तक पहुंचना होगा। वो तो सिर्फ अलीजा का छलावा था, अलीजा का असली चेहरा ये। हो सकता है कि ये छलावा और वो असली चेहरा हो। ऐसे भी वो चेहरा इस चेहरे से तो कहीं ज्यादा अच्छा है। शायद तुम अंधे हो गए हो। ये खूबसूरती अलीजा की पहचान है। इसे जो एक बार देखता है वो देखता रह जाता है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। मेरी गली में 102 साल के पप्पू कसाई रहते हैं, वो भी अभी तक कुंवारे। आप कहिए तो मैं आपका निकाह उनसे करवा देता हूँ, फिर जिंदगी भर दोनों मिलकर हंसते रहिएगा। अलीजा के हुस्न का मजाक बनाने वाला जिंदा नहीं रह सकता। आसमान में कड़के जमीन पे बरसे। अचानक अलीजा का रास्ता किसने काट दिया? काला चोर, ये फिर बची है। मैं सुना था बिल्लियों की 9 जिंदगियां होती हैं। आज पहली मर्तबा देख रहे हैं कि एक चूहे की भी 9 जिंदगियां होती हैं। अब इस चूहे को हमें ही मारना होगा। मैंने कहा ना, बुढ़ापे में निशाना कमजोर हो जाता है। आप कहिए तो मैं बात करूं आपकी निकाह के लिए। बेटी की तुम, मैं से गुस्सा तो दिला रहा हूं लेकिन ये गुस्से में भी कुछ गलत नहीं कर रही। पहले मुझे शक था कि तुम उस मुच्छड़ का एक बसुरत प्यादा, लेकिन अब यकीन हो गया है। तुम उसी को जिले तबाही कह रही थी ना? जिलेला हुई। अब माफ करना, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, लेकिन तुमने भी पढ़ लिख के ये जादू फूके क्या कर लिया? आखिर हो तो तुम उस मुच्छड़ की चमची। अलीजा के साथ इस तरह हिमाकत करने की कोशिश किसी ने नहीं की है। अब तुम्हें पता चलेगा अलीजा कौन है।
बैठा है। हिम्मत है तो सामने आओ। मैं इसकी जादुई ताकत का मुकाबला तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे चिराग लेकर यहाँ से निकलना होगा। चिन्नू को बचाकर मुझे जल्द से जल्द अपने के पास पहुँचना होगा, लेकिन मैं क्या करूँ? अभी तो हमारा खेल शुरू हुआ है और तू अभी से डर के छुप के बैठ गया। रोक लिया। दादी जान से बचकर चिराग हासिल करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता अलादीन। निकल काले चोर, कीड़े मकोड़ों की तरह छुपा क्यों है? अलीजा को चकमा दे देगा। अब चिराग के नकली आका को हम खत्म करके उसके अंदर की शैतानी शक्ति को बाहर लाएंगे। मेरी अम्मी हमेशा कहती है, जो लोग दुनिया को अपने कदमों के नीचे लाना चाहते हैं, उनके कदम उससे संभलते नहीं। चिराग तो बहुत गर्म है, लेकिन मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। मुझे अपनी अम्मी को बचाना होगा। चिन्नू मेरे भाई, और इस चिराग को अलीजा के सिवाय कोई नहीं उठा सकता, और इस चिराग को अलीजा तब उठाएगी जब वो इस चिराग के सीधे साधे जिन को शैतान बना देगी। मुझे अपने की कसम, मैं अपने भाई चिन्नू को किसी गलत हाथ में नहीं लगने दूंगा।
अब अलीजा तुझे ऐसी मौत देगी कि तेरे अपने भी तेरी लाश को पहचान नहीं पाएंगे। हम तो भूल ही गए, तुम्हारा कोई अपना बचा ही नहीं। तुम्हारा जिन हमारी कैद में है और तुम्हारा रखवाला, तुम्हारी अम्मी, जो अब चंद घंटों में जिंदा लाश बन जाएगी। क्या हुआ, तुम्हें पता नहीं? उस खतूबा को हमने ही तो भेजा था।